वही सब गाइस, अगर आप ऑक्टावियो ओएस यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड वर्जन 12 के बेस पे, ऑक्टावियो ओएस लेटेस्ट ऑक्टावियो ओएस यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर हमारा जो क्विक सेटिंग्स पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से थीम्ड है। टॉप पर आपको जो क्लॉक का साइज चेंज देखने को मिलेगा, आपके पास डेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डे आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ साथ ऑक्टावियो ओएस लिखा हुआ भी देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा मोड है, लेकिन ओनली एंड्रॉइड वर्जन 12 में ही ये चीज़ काम करेगी। तो अगर आप एंड्रॉइड वर्जन 12 यूज़ कर रहे हैं और आप ऑक्टावियो ओएस यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ मॉड्स आपको चाहिए मैजिस्क मॉडल ग्रुप में, तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ऑफकोर्स हम बात करें एज अ मैजिस्क मॉड्यूल की, तो मेक श्योर आपका एडवाइस रूटेड हो, मैजिस्क इंस्टॉल्ड हो। मैं यहाँ पर मैजिस्क वर्जन 23 यूज़ कर रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप मैजिस्क कैनरी यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे इंस्टॉल मत करिए, क्योंकि काम नहीं करेगा और आपका डिवाइस बूट लूप में भी क्या आपको फॉर्मेट डाटा करना पड़ सकता है, काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। बात करें एंड्रॉइड 12 ऑक्टावियो ओएस मोड बाय हिलर, सो ऑल थैंक्स गोज टू हिम, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जैसे ही मैंने बताया, ओनली ऑक्टावियो ओएस, अगर आप किसी और कस्टम होम किसी और वर्जन में भी ट्राई करेंगे तो काम नहीं करेगा। ऑक्टावियो का लेटेस्ट वर्जन 3.1 नवंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ, उसी में ही आप इसे ट्राई करें। बाय डिफॉल्ट आपको जब आप क्विक सेटिंग्स पैनल को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से कंट्रोल सेंटर क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलेगा। नंबर आपके पास टॉप में काफ़ी स्मॉल साइज में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये सब चीज़ें आपको इसमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती हैं जब आप किसी भी एंड्रॉइड 12 कस्टमर को यूज़ करते हैं। ऑफकोर्स अगर आप कोई बेटर कस्टमर यूज़ करें तो वाइट बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना। देखिए, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, वैसे इसको इंस्टॉल करना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आपको डायरेक्टली इसे मैजिस्क मॉड्यूल में जाने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, और आपको एक फाइल मिल जाएगी एंड्रॉइड 12 ऑक्टावियो ओएस मोड। जब आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी इसको रिबूट मत करें, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो आपको थोड़ी सी वेट कर लेनी चाहिए, अपने आप ये सब कुछ करना शुरू कर देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप ऑक्टावियो ओएस का वर्जन 3.1 यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पर आप इसे ट्राई करिए, और किसी भी कस्टम रूम में आप इसे ट्राई मत करिए। अगर आपको किसी और कस्टम रूम के लिए ऐसा कुछ मोड चाहिए तो आप इन्हें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चलेंगे वहाँ पर उन्हें मैसेज कर दीजिए। आपको अगर आपका कस्टम रूम सपोर्ट करेगा तो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा उसके बारे में। जैसे हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे, आप अपने डिवाइस को रीबूट करेंगे, आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, इस तरह से जो यूआई है आपको देखने को मिल जाएगी, क्लॉक थोड़ा सा साइज ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, डेट और डे ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, ऑक्टावियो ओएस आपको देखने को मिल जाएगा, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। बस ये सब था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.